हर हर महादेव। मेरे हाथ पे अगर गिरा तो मैं अपना हाथ जला के तुमको जला दूंगा। अपना पेट्रोल नहीं लगेगा। इसका नाम रखो यकी। जितनी छोटी उतनी डेंजरस। ये सर पहाड़ों के लिए नहीं है, ये हाईवे के लिए है। मिल गई जगह, निकलने के लिए जगह मिल चुकी है। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। हर हर महादेव दोस्तों, लद्दाख राइड डे 14। हम हैं आज नुब्रा वैली में। बेसिकली नुब्रा वैली, नुब्रा विलेज और श्योक वैली के बीच में एक पॉइंट आता है, दैट इज खरसल। खरसल में हमने रात को हमारी जो है वो कैंपिंग करी थी, और वो जो जगह है वो कुछ ऐसी सी है। इस प्लेस का नाम है वंगतुक रेस्टोरेंट एंड राफ्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो है आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, आपको खाना भी मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी मिल जाएगा, और रिवर राफ्टिंग भी अवेलेबल है, जो कि हमें पता नहीं था कि नुब्रा में जो है रिवर राफ्टिंग भी होती है। इन केस अगर आपके पास अपने टेंट्स नहीं है, अपने कैंप्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको कैंप्स भी मिल जाएंगे। बट हम लोग जो है हमारा तंबू साथ में लेके ही घूमते हैं, तो हमको ऐसा कोई नीड पड़ी नहीं। और ये इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि इन्होंने हमसे कोई इसका चार्ज भी नहीं लिया। और प्रॉपर्टी में जो है वो चेंजिंग रूम्स भी है, गर्म पानी भी है, उस वाली तरफ जो है वो वॉशरूम्स भी हैं। है जी हमारा चलता फिरता बंजारों का घर। इसमें हमने जो है अभी एक रस्सी भी बांधी हुई है, और ये हमारा हो गया टॉवल, हेलमेट ही लटकाई हुई है। इस वाली तरफ का जो सामान है वो उस प्राणी ने सारा का सारा समेट लिया हुआ है, मेरा भी रहता है। और ये हमारा थोड़ा सा गार्बेज रहता है, जो भी बचा कुचा मटेरियल है वो हम लोग यहीं पर डाल देते हैं, एंड एट लास्ट सब कुछ पकड़ के डंप कर देते हैं किसी अच्छे से पॉइंट पे, देख के जो कि डंपिंग का हो। हालांकि यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी अपने हिसाब से हमको देखना पड़ता है। सबसे पहले समेटते हैं, बाइक्स पे करते हैं लोड, एंड वो रहा हमारा उंगली मैन। एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, देन नहाने का सोचेंगे, नहाना है कि नहीं। वैसे गर्म पानी है तो माइट भी नहा लें। एंड आफ्टर दैट ब्रेकफास्ट हम लोग यहीं पे करेंगे, विल हैव आलू परांठा। और सोनमार्ग से लेके नुब्रा तक इतनी सारी प्लेसेस आई हैं, पहली बार कोई ऐसी जगह मिली है जहाँ पे कि 50 रुपए का आलू परांठा मिल रहा है, और वो भी हमने रात को भी डिनर किया था, अच्छा था। बाकी जगहों पे तो लूट है बस, यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। और मोहित जी जो हैं ये इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं, इतनी जल्दी रेडी हो जाते हैं ना, मुझे हर टाइम लग जाता है एक्चुअली, क्योंकि उठना होता है, एक तो मैं थोड़ा सुस्ताया हुआ होता हूँ, एंड उसके बाद ब्लॉगिंग एडिट ये वो ऐसे वैसे, बहुत ज़्यादा पेशेंस है इंसान में, प्राणी में, इंसान, मैंने इनको बोलना शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि इंसानों में ही पेशेंस होते हैं, इसीलिए इंसान है। सस्ता UK07 राइड, सस्ता UK07 राइड। आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये गजब की चीज़ है भाई साहब। इसमें क्या करना होता है, आपको ये पानी पकड़ो, यहाँ से ऊपर से पानी डालेंगे, जैसे ये हमारा चक्की में गया गेहूँ, और ये नीचे से आया पीस के आटा। ओहो, गर्म, ज़्यादा गर्म है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखो हाथ में छाले तो नहीं पड़ गया आपके? हाथ में छाले छिल गया हाथ मेरा, देखो पूरा जल रहा है, इतना ज़्यादा गर्म है। ठीक है, ल्यूक वार्म है एक्चुअली। रेस्ट लाइट की भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ सोलर ही है। इस एरिया में लोकल्स बता रहे हैं कि जो बारिश है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और जब कभी होती है तब तबाही हल्की फुल्की लेके आती है, बिकॉज मैक्सिमम जो छोटे छोटे गांव हैं वो नदी किनारे ही बसे हुए हैं। बट रिवर राफ्टिंग वालों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है, बिकॉज पानी का जो फ्लो है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। रही बात नेटवर्क की, तो नेटवर्क के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको एयरटेल एंड जियो दोनों के नेटवर्क दिख जाते हैं, और जियो का जो टावर है वो तो यहीं पर लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग यहाँ पे होती है, और साथ में ही जो है वहाँ पे श्योक रिवर है। अभी आपको श्योक रिवर वाली तरफ भी हम लोग लेके जाएंगे। ये रहे वॉशरूम्स, और ये रही कुछ राफ्ट, लगभग 10 से 12 इनके पास जो है वो राफ्ट पड़ी हुई हैं। लोकेशन बहुत सुपर है, बहुत ज़्यादा सुपर लोकेशन है ये। लगेज सारा हमने पैक कर लिया हुआ है, एक बाइक पे लगेज जो है वो लोड भी हो चुका है, और डोमिनार पे भी हमने करना है। उससे पहले ये जो टैंक है पेट्रोल का, ये इतना हुआ करता था, बट चलते चलते राइड करते करते काफ़ी ज़्यादा बीच में जो है खारदुंगला से लेके खरसल तक 15 किलोमीटर का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंप आया जिसकी वजह से पेट्रोल हमारा गिर गया। तो अभी के लिए हम जो हैं पेट्रोल इसके अंदर डालेंगे। मेरे हाथ पे अगर गिरा तो मैं अपना हाथ जला के तुमको जला दूंगा, जला कर राख कर दूंगा। हाँ बाइक पे गिराओ, शाबाश शाबाश शाबाश, मुफ्त पेट्रोल मिल गया है। जाने दो जाने दो, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। और रो 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 रो। 2 लीटर पेट्रोल हमने डाल लिया डोमिनार में, और 1 लीटर पेट्रोल हम जो हैं वो इसमें डालेंगे,
इंसान गिराता जा रहा है पेट्रोल। चलिए करते हैं अब हम आज की राइड की शुरुआत। ये देखिए यहाँ भी सोलर लाइट्स लगी हुई हैं और लोकेशन तो आपको मैंने बता ही दी, जगह का नाम भी बता दिया, थोड़ा सा भी जो रास्ता है वो भी दिखा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर अंदर आना है आपको जब आप खरसल में आते हैं। ये यहाँ पे ढाबा वगैरह लिखे हुए हैं और साइन बोर्ड भी लगा हुआ होगा। चलिए मोहित जी, सो दोस्तों यहाँ पे रास्ते चौराहा जैसा आ गया है, डिस्किट जा रहा है इस वाली तरफ। और हमने जो डिसाइड किया है अभी के लिए वो ये डिसाइड किया हुआ है कि डिस्किट बाकी जगहें जितनी भी प्लेसेस हैं हर एक जगह पे हम लोग जो हैं वो बाद में आएंगे। अभी हम लोग सीधा निकल रहे हैं सियाचिन बेस कैंप के लिए। वो नीचे रिवर राफ्टिंग करवाई जा रही है। ये जो रिवर है इस रिवर का नाम है श्योक रिवर। लोग कहते हैं कि लद्दाख में खंडर है, बंजर है, नंगे पहाड़ हैं, कुछ नहीं दिखता, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, ये सब क्या है? आओ तो सही। मैक्सिमम टूरिस्ट जो आते हैं ना वो आते हैं सीधा हाईवे से, मेन मेन स्पॉट पे जाएंगे, खादुंगला चले जाएंगे या फिर पैंगोंग चले जाएंगे, ले सिटी घूमेंगे और सीधा मनाली वाले रूट पे, और बोलेंगे देखो क्या कोई रास्ते हैं, बस रास्ते ही हैं, कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट बन के मत आओ, ट्रैवलर बन के आओ, एक्सप्लोर करना सीखो। मेन लोकेशन पे तो हर कोई जाता है, ऑफ बीट लोकेशन पे जाके देखो। चार रिवर्स हैं लद्दाख में जो कि अभी तक मुझे पता है। अलग अलग कलर्स के पहाड़ हैं, कोई पथरीला पहाड़ है, कोई मिट्टी वाला पहाड़ है, कोई लाल पहाड़ है, कोई चमकीला पहाड़ है, शीशे वाला पहाड़ है। ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है बट हर जगह पे नहीं मिलती है, और ओपन है एकदम, आप जहाँ तक देखना चाहो आप वहाँ तक देख सकते हो। हर पहाड़ी के पीछे आपको जो है फिर एक वैली दिख जाएगी। सियाचिन बेस कैंप का जो डिस्टेंस है यहाँ से नुब्रा से वो है 100 किलोमीटर। टाइम ड्यूरेशन जो बता रहा है 100 किलोमीटर के लिए वो बता रहा है 3.5 आवर्स। हालांकि हमने लोकल से पूछा है, दे सेड कि रोड कंडीशन अच्छी है बट कर्वी रोड्स है और सिंगल रोड है, बीच पे आर्मी की कॉन्वॉय वगैरह आ रही है, ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें स्लो डाउन होना पड़ रहा है। अदरवाइज रोड्स तो अभी तक बहुत अच्छे हैं। सो मोर रह गया है 10 किलोमीटर। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? इसका नाम रखो यकी। यकी क्या? यकी। ठीक है ठीक है यकी, बाय बाय यकी। यकू यकू ओ यकू। पिछले 3 किलोमीटर से हम लोग चल रहे हैं और जो रोड है वो सीमेंट का रोड है। वादियां देखो आप, मौसम यहाँ देखो, स्ट्रेट देखो और इस तरफ देखो, हर जगह अलग अलग, ऊपर सूर्यदेव। हॉट स्प्रिंग एरिया में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे अंदर वाली तरफ जो है ये रिजॉर्ट भी है, और ये जो एरियाज है ना जितने भी हम लोग आते हुए कवर नहीं कर रहे, अभी जाते हुए कवर नहीं कर रहे, लाइक सैंड ड्यून्स भी आया और भी 3-4 लोकेशंस आई, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, ये भी है, ये सारी लोकेशंस हम लोग वापसी के टाइम पे कवर करेंगे। अभी हमने सियाचिन बेस कैंप और कोशिश करनी है कि तुरतुक वाली तरफ हम लोग जा पाएं, और उस वाली तरफ भी एक हॉट स्प्रिंग है। कितना कश्मीर टू कन्याकुमारी पे बाइक पे ना आपका हार्डली पेट्रोल लगेगा 50,000 का तो? अरे 11,000 से ऊपर आपका पेट्रोल नहीं लगेगा है? 11,000 से ऊपर R15 पे R15। हाँ नहीं नहीं वो आपकी इच्छा है ना, आप हाईवे से जा रहे हो तो बीच में कुछ आ रहा है, आप सिटी से निकलते, हम तो ऐसे ही जाते हैं, हाईवे पे तो बोर हो जाता है बंदा, सिटी के अंदर अंदर से निकलते हुए जाओ। ये सर पहाड़ों के लिए नहीं है, ये हाईवे के लिए है, ये हाईवे के लिए इसका मुकाबला नहीं है। यहाँ पे ये बाकी हिमालयन वैसे सबसे बेस्ट है, यहाँ पे हिमालयन एक्सप्रेस वगैरह, ये स्ट्रेट रोड है ना 120 पे आप आराम से चलाओ। सो दोस्तों यहाँ पे होती है आपकी परमिट की चेकिंग, अगर आप लोग बेस कैंप जा रहे हैं आपका लाइसेंस भी चेक किया जाएगा, लाइसेंस नंबर लिया जाएगा, परमिट चेकिंग होगी, क्या क्या आइटम्स आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, लाइक पेट्रोल कैंस हैं, स्लीपिंग बैग है, और भी अगर कोई स्नो चेन्स वगैरह हैं, सब आइटम्स आपको लिखवानी पड़ती हैं। अगर हमारे पास परमिट नहीं रहता ना दे वोंट अलो अस, और ऐसे ही कई सारी जगहें अभी आएंगी जहाँ पे कि परमिट की नीड होगी। परमिट के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप लोग खुद करते हैं तो आपको 400 to 420 के बीच में इन्वायरमेंटल चार्जेज एंड जो लोकल चार्जेस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं, उसके बाद पर डे के हिसाब से 20 रुपीज़ पर डे एक्सटेंड आप कर सकते हैं। अगर आप लेह में आके परमिट बनवाते हैं जो कि होटल्स वगैरह वालों से बनवाते हैं तो वो आपसे 50 to 60 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, और ऑन टाइम आपका परमिट बन जाएगा और उसी दिन आप लोग जो हैं कहीं की भी राइड कर सकते हैं। खुद अगर आप करते हैं तो आपको 2 to 3 दिन का डिले मिलता है। न
नुब्रा से दोस्तों जो रोड है ना सियाचिन बेस कैंप तक, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बीच में हल्के हल्के कोई 10-20 मीटर का आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन वाला रूट दिखाई देगा, वो भी वहाँ पे जहाँ पे कि बीच में छोटी छोटी ब्रिज हैं वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। वारशी रह गया है 5 किलोमीटर, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमने ना लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है अभी तक। अगर आर्मी की गाड़ियों की बात ना करें तो नॉर्मली मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ ना मुझे दिखी नहीं है, ना इस तरफ से आते हुए ना इस तरफ जाते हुए। 2 बाइकर्स आए थे एक साथ, वो लोग थोड़ा ट्रैवल करके आए थे सियाचिन बेस कैंप तक। बाकी मैंने आपको कहा ना कि जितने भी लोग राइड करते हैं ना, लद्दाख ट्रिप करते हैं, माइट भी कुछ लोग करते होंगे, बट मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया है काफ़ी लोग जो हैं वो ऑफ बीट प्लेसेस पे नहीं जाते, या उनको पता नहीं है, या फिर इनर लाइन परमिट की वजह से नहीं जाते, क्योंकि इन जगहों पे परमिट लगता है और ये थोड़े से ज़्यादा ही रिमोट एरियाज में आ जाते हैं। आपको कहीं कहीं 100-100 किलोमीटर तक आपको कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो कोई कोई इक्का दुक्का ही करता है, बट जो करता है ना वही प्रॉपर एक्सप्लोरर है। सामने से आई है लद्दाख पुलिस की एक गाड़ी, पहले भी एक लद्दाख पुलिस की गाड़ी गई थी क्रेटा। लद्दाख यार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है वैसे डेवलप्ड आहिस्ता आहिस्ता, पहले मैं जब आया और अभी में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। ये आ गई है जी यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग, और ये देखने में आपको लग रही होगी नॉर्मल सी, बट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जितनी छोटी उतनी डेंजरस। बीच में ना हमें दिख नहीं रहा है कुछ भी, और देखो वाटर जिस हिसाब से वहाँ नीचे जा रहा है ना, पता नहीं कहाँ पर खड्डा होगा, तो हमें अभी यहाँ पर जो है वो चेक करना पड़ेगा। और पीछे आ गया ट्रक, सो ट्रक के टायर्स को देख के हम लोग निकलेंगे अभी। मौसम मिल गई जगह, निकलने के लिए जगह मिल चुकी है, तो निकला जाए दोस्तों। हर हर महादेव। तो अब जो टर्न है वो मोहित भाई की है, शाबाश शाबाश एक ही बार में, ग्रेट ग्रेट, क्या बात है जी। अगर ट्रक वाला नहीं आता ना हमें वो मिलता नहीं रास्ता प्रॉपर, है ना रास्ता, यही बट गहराई नहीं, गहराई थी बाकी जगहों पे, जहाँ से उसने निकाला वहाँ पे रोड था, वहाँ से निकला नहीं था। बाइक देखो क्या वॉश होगी मेरी एकदम से। अब तो लद्दाख में वाटर क्रॉसिंग बहुत ही रेयरली बची हुई है, ऑफ बीट प्लेसेस भी अगर आप जाते हैं वहीं पे आपको मिलेगी, उमलिंगलांग शिंकुला पे चांसेस आर हाई कि हमें मिलेगी वाटर क्रॉसिंग। दिक्कत पता क्या आती है, दो परेशानी है, बाइक गिरने की परेशानी नहीं है, ऐसी वाली जगह पे अगर आपकी बाइक गिरेगी भी ना लगेगी नहीं आपको। होता क्या है कि पाँव एक तो अगर ज़्यादा गहरा है तो शूज़ आपके गीले हो जाएंगे, ठीक है, एक लेंथ रहती है हमारे एंकल लेंथ से थोड़ा ऊपर है। दूसरा इशू होता है लगेज का, लगेज बांधने में ना आपको पता है कितना ज़्यादा टाइम होता है, कितना ज़्यादा माथापट्टी होता है। जो लोग बाइकर्स हैं लगेज के साथ चलते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से समझ आती होगी, तो जब आपकी बाइक गिरती है ना एक तो लगेज पूरा का पूरा गीला हो जाता है, और दूसरा वो वापस से फिर आपको लोड अनलोड करना पड़ता है, परेशानी हो जाती है। यही दो परेशानियाँ आती हैं मैक्सिमम जो कोई वाटर क्रॉसिंग भी हमको लगती है कि हाँ ये डिफ़िकल्ट होगी या यहाँ पे रिस्क है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लगेज हम लोग उतार लेते हैं, देन पीछे वाली तरफ से थोड़ा लोअर वगैरह ऊपर करके फिर क्रॉस करके लगेज क्रॉस करवा के देन बाइक को पार करवाते हैं, हो जाता है। अकेले थोड़ा सा समटाइम मुझे परेशानी होती है, बट इस बार आया तो मैं घर से अकेला ही था, बट कोई ना कोई हर बार मिल ही रहा। थंडरबर्ड वाला भाई भी एक दो दिन के अंदर निकल जाएगा एंड हम लोग जो हैं वो वापस से सोलो हो जाएंगे, बिकॉज मेरे जो ट्रैवल प्लान्स हैं वो थोड़े अलग हैं, मैं ब्लॉगिंग के हिसाब से चल रहा हूँ, वो उनके पास लिमिटेड डेज़ है, सबके पास लिमिटेड डेज ही रहते हैं। ये है तो ट्रैवलर बट थोड़े वो टूरिस्ट भी आप कह सकते हो, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट को इनको वापस जाना है, काम धंधा सबका होता ही है, और मुझे पूरी उम्मीद है पूरी अपेक्षा है कोई ना कोई फिर से मिल जाता है, बिकॉज आज तक मैं सोलो हम सिर्फ घर से निकला हूँ, बाहर चाहे मैं कहीं भी गया हूँ ना, किसी भी स्टेट में गया हूँ, किसी भी राइड पर गया हूँ, हमेशा कोई ना कोई बीच में ज्वाइन हो ही जाता है, एंड आई गेस दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइडिंग सोलो। बाइक हमारी नीचे से वॉश भी होगी, और इसी के साथ जो फ्रंट डिस्क के अंदर कंकर वगैरह छोटे छोटे कुछ होगा डस्ट पार्टिकल, तो जब मैं ब्रेक प्रेस कर रहा था तो वो आवाज़ कर रहे थे बीच में ची 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 ची, वो आवाज़ भी अब ठीक हो चुकी है। वापस से आगे कहीं मिट्टी वाला रास्ता कुछ आएगा तो वो वापस से चली जाएगी, फिर आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे भी हमारे न्यूली डिस्क पैड हमने डलवाए हैं, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, वो रहे सामने सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन रह गया है बेस कैंप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर, तो जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचते हैं। वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप, और यहाँ पे जो है एंट्री होती है, अभी वो डिफेंस वाले जो हैं एंट्री के लिए वो थोड़ा साइड हो गए हुए हैं,
कैमराज अलाउड नहीं थे उस टाइम पे, आपका परमिट चेक किया जाता है और आपकी एंट्री की जाती है। ज़्यादा देर जो है वो यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है क्योंकि ऊपर से पत्थर आते हैं और नो ड्रोन जोन ये है। तो आज के ब्लॉग को जो है हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। अंदर कल हम आपको वार मेमोरियल, सेल्फी पॉइंट एंड ओपी बाबा के दर्शन करवाएंगे। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।